जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। बढ़िया झंडे गाड़ रहे होगे सारे के सारे सब्जेक्ट में। बायोलॉजी में झंडे गाड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों ने लेकर रखी है, यू जस्ट फॉलो अस, ठीक है। सो फाइनली मेडली कंप्लीटली सक्सेसफुली एंड इवेंचुअली वी हैव कम टू द थर्ड क्लास ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ वेरी अमेजिंग एंड वेरी फैंटास्टिक टॉपिक विच इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये सेशन खत्म होगा इसके बाद, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, जो आपका नॉलेज है रिगार्डिंग प्लांट बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाएगा। आपको पूरी की पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी, किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, प्लांट खाना खाते हैं, किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से वो सारे सांस लेते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर जानने को मिलेंगी। मतलब मैं हमेशा क्या बोलता हूं, एक पर्सपेक्टिव तो ये होता है कि एनडीए का एग्जाम हमको फोड़ना है, ठीक है, वहां पर तो एक्सेल कर ही जाओगे, मगर मेरा सेशन देखने के बाद जो आपका नॉलेज है, इवन तो यदि चीजें आपको एसएसबी में पूछी जाती हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर देम, बिकॉज आपका जो मेरा जो मोटिव होता है वो तो एग्जाम क्लियर करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर वो जो मेन चीज है वो है कि आपका नॉलेज बढ़ जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मतलब कि 100% श्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, पहला है न्यूट्रिशन और दूसरा है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने खाना इंटेक करा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है, उसको खाने को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब वो जो खाना आपने, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, एज अ प्री रिक्विजिट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सारी की सारी ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी चीज आपने खाई, ठीक है, खाने के बाद वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, मतलब कि उससे आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आपको मिली, एनर्जी मिलने के बाद वो एनर्जी हर एक सेल में जाएगी, हर एक सेल में जाने के बाद सेल अपना क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बाहर निकालेंगे और वो एक्सक्रीटा बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, खाना आपने इंटेक करा न्यूट्रिशन, आपने उसको, वो जो खाना है वो ऑक्सीडाइज हुआ, ग्लूकोज बना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, सारे सेल्स में पहुंचा और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो बॉडी से एकदम बाहर निकल गया। तो भैया ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको आउटलुक बता दिया है, बढ़िया तरीके से अपन लोग ये वाले सेशन को स्टार्ट करते एकदम मजे के साथ, ठीक है। चलो तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली ब्लैंक स्लाइड है, ये मैंने इसलिए रखी थी जो मैंने आपको बताया उसको, वो जो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से टेबल चेयर पर बैठ जाओ, एकदम प्रोडक्टिव होकर पढ़ाई करो, एफिशिएंट होकर पढ़ाई करो एकदम, ठीक है। यू आर राइट नाउ यू आर अ कैंडिडेट, आफ्टर दैट इन द फ्यूचर यू विल बी अ कैडेट, ठीक है। राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट, देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर यू विल बी अ लेफ्टिनेंट। तो माइंडसेट अपना रखो, जो बीच का ये जो रास्ता है इट इज गोइंग टू अब्रिज द गैप बिटवीन वेयर यू आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर यू वांट टू गो। तो बढ़िया तरीके से भाई सेशन स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं, ठीक है। तो पहला जैसा कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, न्यूट्रिशन ये होता है एक ऐसी मेथड जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कंज्यूम करे और जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करना, ठीक है भैया। ये काम आपने बता दिया, बढ़िया अच्छी बात है, मगर आप हमको ये बताओ कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है। द सब्सटेंस जो कि आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि लाइफ के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है सर, क्लियर है। एक बात मैं आपको प्री रिक्विजिट बताना चाहता हूं, क्योंकि ऊपर बताना चाह रहा था, ये वाला सेशन है थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, बट आई कैन अश्योर यू आई एम नॉट गोना लेट यू बोर, एक भी मूवमेंट पर आप बोर नहीं करोगे। मेरा सेशन में ऐसा मानता हूं कि यदि लंबा जा रहा है ना तो वो उतना ही ज्यादा एंटरटेनमेंट है, ठीक है, उस तरीके से आप लोग लेट करा करो, बढ़िया रहेगा। तो यहां पर मैंने न्यूट्रिएंट बता दिया, कोई भी आपको मतलब कि जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है और जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी बॉडी मेंटेन हो सके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भैया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि कोई दो प्रकार के देखो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं और एक वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम भाई दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन अदर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स और एक को कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्लियरली, पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हेटरोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से, सेल्फ, ठीक है, खुद से, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपना खाना खुद बनाना। यहां पर आप टोमेटोज के प्लांट देख सकते हो, ये अपना खाना खुद बनाएंगे भाई, ठीक है। अब यहां से जो ग्रीन, अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाएंगे। अब एक बात देखो, इन प्लांट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टोमेटोस तोड़ लिए फार्मर ने, ठीक है, बेचने चले गए, यहां पर गोट आई और गोट ने इनको फीड कर लिया, खा लिया। अब गोट ने किसको खाया भाई, इन्हीं प्लांट्स को खा लिया बचे हुए। तो मतलब कि ये गोट वॉज डिपेंडेंट ऑन ग्रास, ग्रास मेड इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ये जो गोट थी यहां पर उसने खाना ये वाला खा लिया। तो मतलब कि ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हो भैया कि ये जो गोट ने खाना खाया ये है हेटरोट्रॉप्स, क्यों, क्योंकि इसने वो खाना कंज्यूम करा जो कि किसने बनाया था, ऑटोट्रॉप्स ने। हां जी यही कहना चाह रहा हूं भैया, ये तो एक ही डिफरेंस है,
इसमें तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, आप एक ही क्यों बताए? अरे रुको बेटा, सवर करो, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। यदि बोला है कि जीरो टू हीरो, तो जीरो टू हीरो बनाने का काम मेरा है, ना बस सेशन में बने रहो तुम लोग। यहां पर क्या लिखा हुआ, इतने सारे डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ये मोड मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंस है। यहां पर आप क्लियरली देखो चीजें क्या है, यहां पर ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये हेटरोट्रॉप्स हैं। यदि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो ये यूजुअली प्लांट किंगडम के मेंबर हैं और यूनिसेलुलर होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर मतलब कि ये एग्जांपल बता रहे हैं कि पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया का, सारे के सारे यूनिसेलुलर नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट यूनिसेलुलर है क्या? नहीं भाई, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स सारे के सारे मेंबर एनिमल किंगडम के। भैया एनिमल किंगडम ये वो सारा कंप्लीट कराऊंगा आगे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एनिमल किंगडम से लेट करो कि एनिमल, सारे के सारे एनिमल एक बात बताओ हेटरोट्रॉप्स हैं कि नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। कार्निवोरस मतलब कि जो फ्लैश खाते हैं, जो कि मीट वगैरह खाते हैं। हर्बीवोरस का मतलब वो होता है जो कि घास वगैरह खाते हैं, ग्रास प्रोडक्ट खाते हैं। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं, दरिंदों को भी खाते हैं और चरिंदों को भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। इसके बाद बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं और हेटरोट्रॉप्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी चीज है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां पर क्या है, एनर्जी इनको कहां से मिलेगी? ऑटोट्रॉप्स को इनको मिलेगी जो लाइट एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये चीज पता क्या है, ये फोटोसिंथेसिस है। बस थोड़ी देर आप एक मिनट रखो, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जो हेटरोट्रॉप्स हैं ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उनको वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एनर्जी स्टोर करने की बात करें तो बिल्कुल यार, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इनडायरेक्टली। पता है आपको, ये प्लांट की बात कर रहा है, कहीं भी ऑटोट्रॉप्स आएगा ये मेजरली टॉक अबाउट दी प्लांट्स, इसलिए तो यहां पर बोलकर रखा है कि ये क्या है, प्लांट किंगडम और यहां पर एनिमल किंगडम। हेटरोट्रॉप्स अपनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। फूड चेन की यदि अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फूड चेन में ऑटोट्रॉप्स कहां पर? प्राइमरी लेवल पे है। कैसे भैया? देखो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई भी है, जैसे कि तुम्हारा यहां पर ब्लू कलर से देखना, कोई भी एक स्टूडेंट है, यदि वो आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि जब तक वो जो स्कूल आते हैं ना, प्ले स्कूल वगैरह, हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ करते थे, बढ़िया एकदम आंगनवाड़ी जाओ और खेलो, ठीक है। जैसे कि LKG है, UKG है, ये सारी जो क्लासेस हैं, ठीक है, मैंने तो ये नहीं पढ़ी, ये जो LKG UKG है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू एडमिट हियर, एंड आफ्टर क्लियरिंग दीज क्लासेस देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इन टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो LKG UKG ये प्राइमरी क्लासेस हैं, तो प्राइमरी है तो फिर सीनियर क्लास, मतलब सीनियर क्लासेस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, कि प्राइमरी में आप उसको अच्छा बनाओगे तो वो आगे होगा। तो यहां पर वही चीज है भाई, ये जो है मतलब हेटरोट्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स, तो जिसके ऊपर डिपेंड है वो प्राइमरी लेवल पे है। तो ये भी याद करा दिया, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये जो फूड चेन में जो आपके सेकेंड वाले ऑटोट्रॉप्स और ये जो सेकेंड वाले हेटरोट्रॉप्स हैं, ये काय के ऊपर? सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर प्लेस होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, भाई प्लांट तुम्हारे मूव नहीं करते हैं, मगर हाँ ये जो एनिमल्स हैं डेफिनेटली, अब इसको क्या ही बताऊं मैं, फूड और शेल्टर के लिए जाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। गाय, भैंस, शेर, बाघ, हॉर्स, ह्यूमंस, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये बता दिया। अब मैं भैया बार 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 आप काय का जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे फोटोसिंथेसिस का, भैया वो जो चीज थी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट है। अरे कोई बात नहीं भाई, सारी चीजें क्लियर होंगी और इससे बेहतर क्लियर कोई नहीं कराया होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। फोटोसिंथेसिस क्या होता, देखो एकदम आराम से शांति से फोड़ेंगे देखो फोटो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब मैंने पहले सेशन में भी बताया था, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। लाइट का यूज करके प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, दैट्स इट। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, अब ये प्लांट काय काय चीज, कौन कौन सी चीजों को यूज करता है, देखो जो हमारा वेस्ट है वो उनका क्या है, वो उनका क्या है, टेस्ट है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग CO2 छोड़ते हैं ना, तो उनका यहां पर वो लोग काय को यूज करेंगे, CO2 को यूज करेंगे, वो वाटर को यूज करेंगे, यहां पर वो सनलाइट को यूज करेंगे, तीन चीजों को, सनलाइट सन से मिली, वाटर रूट से मिला, रूट से जड़ों से ऊपर जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। अब ये क्या बनाते हैं, अब ये वो बनाते हैं, इनका वेस्ट वो है जो हमारे लिए टेस्ट है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है। तो ऑक्सीजन और एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ये आपको फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी प्रोसेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोसेस कैसे याद करोगे, यहां पर क्लियरली देखो, पहले आप रिएक्टेंट्स देखो, मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। यहां पर आप क्लियरली देखो, यहां पर इसको चाहिए क्या क्या थी, मतलब क्या क्या जरूरत थी,
इसको, पहली बात बताओ, इसको जरूरत थी भैया, इसको थी CO2 की, ठीक है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया भैया इसने, हमने छोड़ा तो उसने ले लिया। वाटर कहां से लिया? रूट से लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट पता क्या है? सनलाइट, अब सनलाइट सीधे थोड़ी आ जाएगी हमारे पास, हमको खाने के लिए हमारे हाथ है, खाने को फूड ट्रैप कौन करते हैं? हमारे हाथ करते हैं। इन द सेम मैनर प्लांट के पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। ये क्या काम करता है? ये क्लोरोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, याद रखना, आगे भी बताऊंगा। ये करता है सनलाइट को ट्रैप, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है खाना प्रिपेयर करने के लिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में किसने ट्रैप करा? क्लोरोफिल ने। ये ग्लूकोज बनाएगा, और ये याद रखना, C6H12O6, ये एग्जाम में आया हुआ भी। और साथ में क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन निकालेगा। और एक बात बताओ, एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पढ़ी आपने, यहां पर क्या होता है? ये जो वाटर है, जितना भी एक्सेस वाटर है, ये आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे भाई कॉमन सेंस है, तुम लोग खाना खाने के बाद वॉशरूम जाते हो, जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर जाता है, ठीक है। इन द सेम मैनर यहां पर है, प्लांट भी तो अपना जो वेस्ट है वो इजेक्ट करेगा, ये वही वाटर है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देखना, याद रखना, बस 12 यहां पर क्या लगेगा? आप भी खूब सारा पानी पीते हो ना, खूब सारा पानी, खाना ज्यादा खाते हो, पानी ज्यादा पीते हो, पानी ज्यादा पीते हो, तो इन द सेम मैनर बस पानी में यहां पर 12 आएगा, यहां 6 आएगा, ठीक है। यहां पर देखो जो नीला वाला है, यहां पर 6 आएगा, यहां पर अब ग्लूकोज का तो खुद का फॉर्मूला है, यहां क्यों लगाओगे? यहां पर भी 6 लगा देना, यहां पर भी 6 लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर ये इक्वेशन क्लियरली आपको क्या बता रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट आपके रॉ मटेरियल है, और प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सुनना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है वो यूज, तुरंत उसको यूज नहीं होगा, याद रखना, प्लांट है आप, जैसे क्या होता है, तुरंत उसको यूज नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखेंगे। क्या बोला था? ऑटोट्रॉप्स स्टोर देयर एनर्जी इन द सेम मैनर, यही वो है, ये तुरंत यूज नहीं करेंगे, उसको स्टार्च के फॉर्म में यूज करके रखेंगे। अब ये उनका मतलब कि एज अ इंटरनल एनर्जी ये क्या करके रखेंगे? उसको रिजर्व करके रखेंगे, और जब भी उनको जरूरत होगी ये यूज करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ह्यूमंस में भी होता है, कभी आपने देखा होगा आपकी मदर्स वगैरह फास्ट रखती हैं, ठीक है, कितनी मेहनत करती हैं भाई आपके लिए, आप छोटा सा एक एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते उनके लिए। जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, व्हेन यू नो यू विल सी योर रोल नंबर ऑन दैट पीडीएफ, ठीक है, आपको तो खुशी मिलेगी टू द नेक्स्ट लेवल, बट व्हेन यू गो टू योर पेरेंट्स एंड यू विल टेल योर मम्मी, मम्मी आई हैव क्लियर दी एनडी एग्जाम, भाई अलग ही, आप आंख बंद करके जरा सोचना, रूह कांप जाएगी आपकी कि एनडी एग्जाम भाई फोड़ा है मैंने, और जिस दिन रिकमेंड हो गए उस दिन तो माशाल्लाह भाई, मतलब अलग ही लेवल हो जाएगा आपकी खुशी का। तो सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, ग्लूकोज है, ठीक है, मम्मी ने फास्ट रखा तो उस दिन वो कुछ भी नहीं खाती है, तो उनको एनर्जी कहां से मिलती है? उनको एनर्जी कहां से मिलती है? जो लास्ट जो उन्होंने खाना खाया था वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ये टूटकर पता क्या बना लेता है? ये बना लेता है ग्लाइकोजन। ये क्या बना लेता है? ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये उनको फास्ट में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये यहां पर इंटरनल एज अ एनर्जी यहां पर स्टोर होती है। तो इन द सेम मैनर प्लांट के पास भी ये यहां पर जो ग्लाइकोजन है सर्व एज एन इंटरनल एनर्जी, जो कि रिजर्व करके रखी जाती है ताकि वो जो एनिमल्स हैं नीड के टाइम पर यूज कर सके, दैट्स इट। लाइट मिली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और क्या मिला? वाटर मिला, इनने क्या दे दिया हमको? ऑक्सीजन दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस देखा। अब इसकी प्रोसेस होती है, कॉमन सेंस लगाओ भाई, ठीक है, कोई भी चीज है सबसे पहले क्या होगा, वो एक चीज को एब्जॉर्व करेंगे, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्व करेंगे। अब सनलाइट भैया जो लाइट एनर्जी आई है उसी फॉर्म में कर लेंगे क्या यूज? नहीं, नो, दे आर नॉट गोना यूज इन दैट फॉर्म। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, वहां पर केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब आखिरी में क्या होगा? आखिरी में होगा आपका क्या? आखिरी में होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होगा? यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा वो टूटेगा। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यहां पर देखो एब्जॉर्प्शन है, पहली चीज क्या होगी? एब्जॉर्प्शन। काय का एब्जॉर्प्शन भी है? ये जो लाइट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करा किसने? क्लोरोफिल ने। कन्वर्जन होगा, काय का कन्वर्जन होगा? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, कैसे? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन तभी तो हमको देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएंगे, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगी, क्यों? क्योंकि ये चीज नेक्स्ट वाली प्रोसेस में फॉलो होगी, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये जो तीन प्रोसेस हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। कैसे? देखो डेजर्ट प्लांट आपने देखे होंगे, जो डेजर्ट प्लांट होता है ना, कैक्टस वगैरह, यहां पर क्या होता है, ये जो
CO2 है ये रात के समय में लेते हैं, पता है आपको? डेजर्ट प्लांट, आप खुद सोचो, ये जो जनरली हमारे आसपास प्लांट है ये दिन के समय पर CO2 ले लेते हैं, हमने छोड़ा इन्हें लिया, मगर डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, रात के समय में लेते हैं। तो ये रात के समय में लेते हैं तो इनका फूड भी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो बनेगा नहीं। तो ये दिन में, पर ये दिन के फॉर्म में आप एक बात बताओ, ये कैसे करके रहते होंगे? यहां पर भी वही, ये पता क्या करते हैं, जो एनर्जी इनने दिन में एब्जॉर्ब करी है, कौन सी, लाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, अपना पूरी पकड़ बनाकर रखते हैं। वो रात में आती है, CO2 इनको रात में मिली, इनका खाना बनेगा, है ना। और जो क्लोरोफिल ने दिन के टाइम पर जो एनर्जी टैप करके रखी है, लाइट एनर्जी, उसको कहां पर, रात में यूज करेंगे क्लोरोफिल के साथ, और ये अपना खाना बना लेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं देखो, पहले यहां पर क्या हुआ, पहले इनका एब्जॉर्प्शन, मतलब कि आप खुद देखो, यहां पर चीजें पहले नहीं हुई है, एक के बाद एक के बाद एक हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि पहले एब्जॉर्प्शन हो, फिर कन्वर्जन हो, फिर रिडक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, मगर तीनों का होना बहुत कंपलसरी है। ये इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर ली। अब ये फोटोसिंथेसिस होती कहां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं मगर आ सकता है। सीधे तुमको पूछ लेगा, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट सेल में। भैया क्लोरोप्लास्ट सेल क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। लीव्स में पता क्या होता है, ये है एक सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो कि हमने वहां पर पढ़ा था। प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो जो क्रोमा था वो कलर था, क्लोरो मतलब कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कैन यू रिलेट जेंटलमैन, यस वी कैन। तो लीव्स कंटेन्ड ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल्स जिसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है मेरे भाई, इसमें होता है ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हरे कलर का, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस कहीं और नहीं होगी, कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर, अब एक बात बताऊं, आपने पत्ती देखी, आपने पत्ती कैसी देखी, आपने पत्ती ऐसे ऐसे देखी, ये है भाई पत्ती, कोई भी पत्ती को आपने ऐसा देखा होगा और अलग शेप में देखा होगा, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात आप ध्यान से सुनना, बाहर से थोड़ी बहुत नॉइज आएगी मगर आप एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर क्या है, अपन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको शो कराता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि भैया लीफ में क्या स्पेशल होता है अंदर, यहां पर लीफ में क्या स्पेशल होता है, मतलब किसी की भी चीर फाड़ करना, अंदर का देखना, उसको बोलते क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। भाई मैं तो ऐसे एकदम हिंदी में लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको समझाना और ऐसे नोट्स बनाना कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बोलेंगे तो सुनो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक एपिथीलियल पढ़ा था कवरिंग, एपिथीलियल, एपिथीलियल पढ़ा था। तो एपिथीलियल का मतलब क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग पढ़ा था, लेयर। तो एपी से उधर से एपिथीलियल, यहां पर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब पता क्या है, लेयर, जो लेयर होती है ना लीव्स की, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। यहां पर दो प्रकार के एपिडर्मिस होता है, एक होता है अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस। एक बात सोचो, कोई चीज है प्लांट के पास, ऐसी चीज है जो कि हेल्प कर रही है भाई, जिसके पास क्लोरोफिल है, उसका खजाना रखा हुआ है जो कि सनलाइट को ट्रैप करेगी। अब एक बात बताओ, उसकी ऊपर वाली लेयर पर रखेगा या नीचे वाली बचाकर रखेगा, नीचे वाली पर रखेगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं ना, वो कहां होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा वहां पर। भैया अब ये क्या कहानी हो, अभी आपने बोला कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, अब सुनो पूरी बात, क्लोरो स्टोमेटा जो चीज है, स्टोमेटा पोर्स होते हैं, इन पोर्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब भैया स्टोमेटा क्या होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा सारी चीजें। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आपका क्या होता है, दीज आर दी टाइनी पोर्स, ये पतले पतले पोर्स होते हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस में। अब इनसे क्या होता है भाई, पोर है तो ये इन पोर्स में से क्या होता है, जो गैसेस हैं ये एक्सचेंज होती हैं, अंदर आती हैं, बाहर आती हैं लीव में, बहुत जल्दी जल्दी, बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब प्लांट और एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में यहां पर एक्सचेंज होता है। क्योंकि यार आप एक बात बताओ, प्लांट को काय की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, अब वो O2 निकालेगा कहां से, निकालेगा यार, यही स्टोमेटा वहां पर हेल्प करेंगे, स्टोमेटा का काम यही है। तो स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, और स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में है, अपर एपिडर्मिस में वो नहीं रहेगा। अब स्टोमेटा के अंदर यहां पर, अब देखो ये है स्टोमेटा, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा कब है, ओपन कब है, अब जब ये ओपन पता कब होगा, जब इसको कोई चीज अपने अंदर लानी होगी या अंदर से बाहर निकालनी होगी, मतलब कि जब इसको कोई नीड नहीं हो, मतलब कि जब इसको अपने पास लानी होगी तब ये ओपन करेगा। अब ये ओपन कैसे होगा, ये ओपन होगा भाई, ये गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल आप देख रहे हो, गार्ड सेल ये बीन शेप के हैं, ये दो मतलब कि मटर के शेप के, इनको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल। ये देखो ये गार्ड सेल, कैसे गार्ड सेल आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये इनको गार्ड सेल बोलते हैं, एग्जाम में आएगा। गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल इसको ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा की। सीधी बात बताऊं आपको एकदम कम शब्दों में, ये जो गार्ड सेल्स है ना, गार्ड, गार्ड का मतलब क्या है भाई, बॉडी गार्ड।
बॉडीगार्ड, वॉचमैन। बॉडीगार्ड का मतलब क्या है, आपने देखा होगा बॉडीगार्ड, ठीक है। ये बॉडीगार्ड क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका क्या करता है, मतलब कि उसका गेट वगैरह ओपन करना आपने जनरली देखा होगा। जो हमारे रेपुटेटेड एसपीजी कमांडो है, ये क्या करते हैं, पूरी प्रोटेक्शन देते हैं टू द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूरा ओपन गेट ओपन करना, सही तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना। तो उसी तरीके से गार्ड किसको प्रोटेक्शन देता है, स्टोमेटा को। तो ये गार्ड क्या करते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, इस कॉज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, मतलब इन गार्ड सेल की टर्जिडिटी के कारण होता है। कैसे, देखो ये यहां पर क्या है, ये जो गार्ड सेल्स हैं, है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, कब, जब इनको स्टोमेटा को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब कोई बात बताओ, कोई चीज बंद होगी तो पहले वो ऐसी थी, अब वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब ये बंद हो गए, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, बंद हो गए मतलब पतले हो गए, थिक हो गए। अब यहां पर क्या हो गए, थिक, मतलब कि यहां थिन होगा भाई, यहां पतले हो गए। तो अब यहां पर ये थिन हो गए, पतले हो गए, तो यहां पर आपको क्या शो होगा, यहां पर जो गेट है वो क्लोज हो गया। अब इन्हीं, देखो मैंने गार्ड सेल के बारे में बताया ना, सारी चीजें यहीं पर है। यहां पर आप, यू कैन क्लियरली सी जेंटलमैन, यहां पर आपका क्लोरोप्लास्ट गिवन है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। यहां पर सारी ये एपिडर्मल सेल जो ऊपर हमने स्टडी करा, बस इतनी स्टडी करनी है आपको। हमने क्या देखा, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, आपने देखा एक ऊपर वाली लेयर जिसको कहा जाता है ये एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद उसमें क्या देखा आपने, स्टोमेटा देखा, स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट देखा, गार्ड सेल देखे क्या होते हैं, बस इतना ही सवाल तुमसे पूछेगा और एकदम ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने काय की स्टडी करी भाई, हमने ऑटोट्रॉप्स देखा, ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनकी स्टडी करी, और इसमें जिससे वो फूड ऑक्यूपाई करते हैं, जो उनका फूड बनाते हैं, वो प्रोसेस क्या थी, फोटोसिंथेसिस, वो हमने देख लिया। भैया बारी आई हेट्रो की, ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इन हेट्रोट्रॉप्स में तीन टाइप होते हैं, जो कि मेरे भाई लगा लो आप कैप्टन वाले तीन स्टार, ठीक है, लेफ्टिनेंट वाले भी नहीं, कैप्टन वाले तीन स्टार, क्योंकि इसमें तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है होलोजोइक, जो कि ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस हुआ, अमीबा हुआ, होलोजोइक, दूसरा हुआ सेप्रोफाइटिक, और तीसरा हुआ कौन सा, पैरासाइटिक, तीसरा हुआ पैरासाइटिक। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये क्या चीज है, सुनना मेरी बात ध्यान से। होलोजोइक वो होते हैं जो कि अपना फूड वहां पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया और उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं, सिंपलर वंस में तोड़ दिया। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो सड़े गले पत्ते रहते हैं ना, ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन्स, उनके ऊपर जाकर क्या करते हैं, रहते हैं, और वहां से क्या करते हैं, पूरी की पूरी अपनी एनर्जी ऑक्यूपाई करते हैं। पैरा का मतलब क्या है, किसी होस्ट की बॉडी, कभी भी पैरा वर्ड तुमको देखे ना, होस्ट याद करा करो, जैसे कि पैरा कमांडो है, कहीं बाहर उनको मिशन के लिए भेजना है, पैरा एसएफ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि जो मरीन कमांडोज है और पैरा कमांडो है, पैरा कमांडो यदि नेवी का कोई, आर्मी का कोई ऑपरेशन होगा, पैरा कमांडो को आगे रखा जाता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग टेरेन में उनको ट्रेन करा जाता है, एंड दे आर वन ऑफ द एक्सपर्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड, इसलिए इनको कहा जाता है पैरा एसएफ, ठीक है, तो ये स्पेशल फोर्सेस इसलिए कहा जाता है। तो इन द सेम मैनर ये अलग अलग, इन द सेम मैनर होस्ट पर जाते हैं, कौन, पैरा, जो आपके पैरासाइटिक हैं, ये होस्ट पर जाते हैं। भैया एक समझ में आ गया, मगर एक हमारा वो नहीं बना फ्लो, एक लिंक नहीं बना, तो ये देखो लिंक के लिए भारत का झंडा यहां पर आपके लिए दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली यू कैन सी द इंडियन नेशनल फ्लैग यहां पर। ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये अंदर लिया जाता है और वो काय में ब्रोक होगा, इट वो काय में ब्रेक होगा छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, इस प्रकार के न्यूट्रिशन में, तो इसको कहा जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें सारी प्रोसेस आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको अपन डीप में पढ़ेंगे, मगर इनकी बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉपिक मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बॉडी के बाहर ही तोड़ लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुमने देखा होगा ब्रेड को बाहर रखोगे, पहले कभी छोटी क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, बाहर रखोगे तो ये क्या होगा, यहां पर ब्रेड मोल्ड्स लग जाते हैं, ब्रेड को ब्रेड मोल्ड्स लग जाते हैं। यहां पर क्या है, फंगी है, ठीक है, मशरूम है, ईस्ट है, बैक्टीरिया, तो फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये एग्जांपल एक ही है। अब यदि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अपन बात करेंगे, पैरासाइटिक का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहां पर रहेंगे, दे इधर लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे उनके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए। क्या उनको मारते हैं, नहीं मारेंगे, नहीं भाई मारेंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, मगर वहां पर रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम, लाइस, लीस, ये वर्म याद कर लेना, टेप वर्म और फ्लैट वर्म ये याद कर लेना, लाइस, लीस, ये जुए वगैरह उनको कहा जाता है। लड़कियां देख रही होंगी, उनको घिन आ रही होगी, भैया ये क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया सभी को, अब सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपन कहां गो थ्रू करेंगे, इसके बाद अपन लोग करेंगे होलोजोइक की स्टडी, न्यूट्रिशन का था। होलोजोइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो वर्ड लिखा हुआ है, अमीबा और ह्यूमंस। अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे, दो मिनट में खत्म करवा दूंगा। ह्यूमंस का जो अपन न्यूट्रिशन देखेंगे, ह्यूमंस का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है हमको ही नहीं पता चलेगा, तो भाई फिर क्या काम के इंसान है हम लोग, ठीक है। यू शुड नो अबाउट इट, आप गए मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास, मम्मी, डॉक्टर ने बोला कि सर ये जो इनका है
जो साइट ऑफ डाइजेशन है वहां पर क्या हो रहा है, वहां तक खाना पहुंच नहीं रहा है, मतलब कि प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा है, तो ये दवाई है। तो तुम बोलोगे सर ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है, डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे यार आपने कपिल भैया का लेक्चर नहीं देखा, एनडीए की तैयारी कर रहा हो, तो कोई बात नहीं भाई, इतना फेमस नहीं हूं मैं, मगर फिर भी कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सारी की सारी चीजें इतनी बढ़िया तरीके से बता दूंगा ना कि आप घर में भी वही वाली बात करने लगोगे। देखो अमीबा का न्यूट्रिशन कुछ प्रोसेस में होता है, किस तरीके से, पहले आप अमीबा का स्ट्रक्चर देखो, अमीबा भैया का स्ट्रक्चर क्या है, ये अमीबा है, देख रहे हो आप, मतलब एनडीए एग्जाम में अमीबा को पूछा जा रहा है, इतना इतना भारी चीज है अमीबा, ये अमीबा है आपका, ऐसा इरेगुलर शेप का होता है ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा है। इस अमीबा के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है सर, न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस है यहां पर, और यहां पर उसका क्या है, एक फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल जिसमें वो खाने को स्टोर करेगा, और ये जो दो है इनको कहा जाता है सूडोपोडिया, ठीक है, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है, इसके अंदर ये क्या करता है, सूडोपोडिया की मदद से ये खाने को अंदर लेता है, ये बेसिक था, बस आपको समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर ही देखकर आप समझ जाओगे। सबसे पहले ये खाना अंदर करेगा, इंजेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, इंजेक्शन, उसके बाद ये खाना अपने फूड वैक्यूल में क्या करेगा, अपने फूड वैक्यूल में स्टोर करेगा, मतलब डाइजेस्ट करेगा, अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले लेगा, मतलब कि इसको बोलेंगे डाइजेशन, इसको डाइजेशन बोलेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर लेना। अब यहां ये जो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, जितना भी साइटोप्लाज्म मैंने आपको पढ़ाया था, ये पूरा का पूरा सेल है, ये यहां पर न्यूक्लियस है, ये जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें पूरा का पूरा जो खाना है उसका फूड वैक्यूल से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद एसिमिलेशन भी आता है, मैं आपको बताऊंगा, ये जो खाना उसने साइटोप्लाज्म में पहुंचाया ना, इससे क्या मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सारे सेल में पहुंचेगी, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, और फाइनली इजेशन, ये सुनना एक्सक्रीशन नहीं है, मतलब जनरली क्या होता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, एक क्या होता है, एक होता है इजेशन, एक होता है इजेशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सक्रीशन, दूसरा होता है एक्सक्रीशन। इजेशन का मतलब पता क्या है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका बाहर जाना, ठीक है, अनडाइजेस्टेड का बाहर जाना। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, जो हार्मफुल वेस्ट है, जो हार्मफुल वेस्ट है उसका बाहर जाना। जेंटलमैन समझ में आया दोनों का अंतर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां पर सर थोड़ा अच्छे से ये देखो, अच्छे से कैमोफ्लेज, ऑलिव ग्रीन योर फेवरेट कलर, अपने नोट्स ऐसा ही है भाई, सारे रंग मिलेंगे आपको यहां पर। इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक करना फूड को। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना और वो जो फूड वैक्यूल है उसमें इनटेक कर लेना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये जो फूड है वो कायम एब्जॉर्ब होना साइटोप्लाज्म में, अमीबा की बात कर रहे हैं यहां पर। ये जो एसिमिलेशन है इसका मतलब क्या है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसने खाया है उससे एनर्जी प्रोवाइड कराना। इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का कैसा होता है पता है, इसमें इजेशन कैसा होता है, ये अमीबा की कहानी ऐसी है, इतनी जगह की जो मेम्ब्रेन है खटाक से टूटेगी, रप्चर हो जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा वेस्ट है यहां पर रप्चर होने के बाद वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, दैट्स इट, खत्म अमीबा। लाइन बाय लाइन कनेक्टेड है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब अपन काय के ऊपर आते हैं, ये देखो पूरी प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये जब नोट्स बनाओगे तब आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये फाइनल टिप तो मैंने आपको ऊपर वाले में दे ही दी है किस तरीके से करना है। अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, अब अपन लोग आ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, पूरी की पूरी जितनी भी पांच प्रोसेस आपने ऊपर देखी है ना न्यूट्रिशन में, वो सारी पांच प्रोसेस क्या होती है वो आप स्टडी करोगे भाई, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, यहां पर क्या होता है, हमारे को एक पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड, भगवान का शुक्र मनाओ सारी चीजें दी हुई है और आप एक इंसान हो, ठीक है, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करा करो, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने लगी, रात को सोने से पहले बोलकर सोया करो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वेरी लविंग पेरेंट्स, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वेरी गुड लाइफ फॉर वेरी गुड फैमिली, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ गुड मेंटर लाइक कपिल भैया, नरेंद्र भैया, ठीक है, इसका ग्रेटिट्यूड शो करा करो। अब यहां पर आगे देखते हैं, अब यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, अब पूरे का पूरा प्रोसेस है भाई, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या है, डाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मतलब सर, डाइजेशन वो होता है, डाइजेशन क्या प्रोसेस है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, याद रखना, कैटाबॉलिक का मतलब पता क्या है, कभी भी तुमको कैटाबॉलिक याद आए तो याद रखना कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी इतनी बड़ी चीज है, ये कैसी हो गई, ये इसको उनने क्या कर दिया, टुकड़ों में पार्ट दिया, मतलब डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच क्या भैया, इन विच जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं फूड के वो काय में टूट जाते हैं सिंपलर फॉर्म में। क्यों टूट जाते हैं, ऐसा क्या है हमारी बॉडी में, शुक्र मनाओ इसका भी, ग्रेटिट्यूड शो करा करो कि भगवान हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, यहां पर हमारी बॉडी में इतने सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जल्दी से कोई काम कराते हैं, तो इनका काम वो है, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे वो, अब आप बोलोगे भैया वो तो वो होते हैं, नहीं नहीं एंजाइम्स भी वही होते हैं, ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स और
तोड़ देता है ये पूरी की पूरी डाइजेशन प्रोसेस है, कब से बताते आ रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूरा का पूरा, देखो यहां पर क्या है, ये है यहां पर नॉस्ट्रिल्स, आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद ये नीचे आया फूड यहां पर, ठीक है भैया नीचे आया, उसके बाद सबसे पहले सुनो, नीचे आने के बाद कहां आया, ये गया स्टमक में, ये स्टमक ऐसा निकला हुआ है, इसको ऐसा करके पूरा का पूरा ऐसा बनाओ आप नीचे। अब यहां पर आने के बाद ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है सर, ये ऐसा जुड़ी हुई है, और यहां पर आप ऐसा करके कर करके लार्ज इंटेस्टाइन बना दो। बनाते रहोगे ना तो फील आएगा कुछ पड़ रहा है। खाना ध्यान से सुनना, खाना माउथ में है, ठीक है, माउथ में खाया। अब यहां पर देखो माउथ है, उसके बाद यहां पर सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस है, लीवर है ना, लीवर आपको दिख रहा है, ये लीवर में गॉल ब्लैडर है, यहां पर स्टमक है, ये पेनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलन भी कहा जाता है इसको, याद रखना। ठीक है, रेक्टम है, एनस है, भैया ये पूरी चीज क्या है, खाना कहां से कहां जाता है, जरा आप तो समझा दो, अभी तक किसी ने नहीं समझाया बढ़िया तरीके से, ऐसा समझाऊंगा। और यहां पर जो मेरे नोट्स है ना भाई, नोट्स एकदम मैं लिटरली लिख दे रहा हूं यहां पर, माशाल्लाह भाई, है ना, एकदम मैं मतलब मुस्लिम नहीं हूं, मगर आई रिस्पेक्ट टीच एंड एवरी रिलीजन बिकॉज आई एम अ सेक्युलर गाय। ठीक है, यहां पर क्या है, मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, जो फ्लो चार्ट है, वो सारी के सारे मतलब कि इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, आप बोलोगे थैंक यू भैया। देखो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है, यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले जो आपका खाना है वो कहां पर आपने खाना खाया, ध्यान से सुनना, अपन आगे बढ़ेंगे ऐसे फ्लो कर करके ऊपर। यहां पर जो खाना है आपने खाना खाया, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ रहे हैं अपन ने, ठीक है भैया बार बार मत बोलो खाना खाया भूख लग जाएगी छोड़कर जाना पड़ेगा, ये माउथ है, आपने खाना खाया, माउथ में दो कंपोनेंट होते हैं, टी टू, क्या क्या नाम है, एक है टंग और एक है टीथ। टंग क्या करेगी, वो सलाइवा जो है, सलाइवा को कहां पर वो फूड में मिक्स करेगी, और टीथ क्या करेगा, मिक्स करने के बाद उस फूड को जो आपने इंटेक करा उसको ग्राइंड करेगा और उसकी कटिंग करेगा। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा नीचे थोड़ना चला जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है भाई, फेरिंग्स। अब मेरी बात सुनना, दो चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर देखना, एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है फूड पाइप, ठीक है, एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप, एक होता है विंड पाइप, एक फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। ठीक है, याद रखना, फूड पाइप को तुम लोग क्या बुलाओगे, फूड पाइप होता है तुम्हारा क्या, इसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है, यह है एसोफेगस। ठीक है सर, विंड पाइप क्या होगा, विंड पाइप को कहा जाता है ट्रकिया, ठीक है, इसको बोलोगे ट्रकिया, ट्रकिया याद रखना, ट्रकिया बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बनाता है ना, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि फूड पाइप क्या है, विंड पाइप क्या है, ये सबसे सटीक तरीका है जानने का, ये बीच, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनाएगा इसको बोलेंगे फेरिंग्स, दैट्स इट। अब ये लेरिंग्स क्या होता है, अरे चिंता मत करो, लेरिंग्स क्या होता है बताऊं, कंफ्यूज मत होना बस आप, लेरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स कहते हो ना, ये साउंड बॉक्स जो आपके यहां पर होता है थ्रोट में, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेरिंग्स, ये वही चीज है। तो बस आप लेरिंग्स को अलग रखो, फेरिंग्स ट्रकिया ये चीज अलग रखो। ठीक है, अब यहां पर फेरिंग्स से वो खाना निकलेगा, यहां पर ये फेरिंग्स क्या है, एक स्मॉल फनल शेप चैम्बर है, किसके बीच में, ईसोफेगस और ट्रकिया के बीच में। ईसोफेगस फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। अब ईसोफेगस कहां है, ये जो ईसोफेगस स्टमक में होते हुए जाएगा, ईसोफेगस मैंने बताया था ना, ये ईसोफेगस आया और इसके बाद ऐसा करके यहां पर क्या निकलेगा, स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के बाद यहां पर यदि, यहां पर इसको रब करने दो भाई, अच्छे से बनाने दो, ये खाना आया, ये ऐसा करने के बाद ये निकला, यहां पर आया ये, ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे स्टमक में निकला। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर ये कहां पर, स्टमक किसके बीच में सिचुएटेड है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि कभी भी इसने ऐसा बोला दो चीजों के बीच में, मतलब कि बी तुम्हारा किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, तो पक्की बात है बी के बाद सी की बात करेंगे, बॉल के बाद कैट की बात करेंगे, वही। अब देखो आप, ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, और ये जो स्टमक है ना, इसको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द फूड, जितना भी खाना है यहां पर पेट में जाकर स्टोर होगा, बेली में स्टोर होगा, और जहां पर क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन मतलब आधा डाइजेशन आपका स्टमक में हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या, यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, आगे बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद ये कहां जाता है, हमने क्या बोला, बी के बाद सी की स्टडी करेंगे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तुमने देखा ऐसा 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 ऐसा, पूरा का पूरा ऐसा पार्ट है। ठीक है, ये इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो पार्ट है ना, ये हर्बीवोरस में लंबा होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या खाते हैं भाई, वो ग्रास प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें सेलुलोज जो होता है ना वो ज्यादा होता है, और वो जो टाइम लेता है काय में डाइजेस्ट होने में, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, इसलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो बड़ा होता है। यहां पर क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कंप्लीटली, यहां पर आने के बाद जो तुम्हारा फूड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या करता है, याद रखना, अब जैसे यहां पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम खुद देखो दो चीजों का कनेक्शन है। भैया कौन सी दो चीजों का कनेक्शन है, यहां पर एक कनेक्शन है किसका, पेनक्रियास का,
है ना। एक कनेक्शन किसका है, यहां पर लीवर का, दो चीजों का यहां पर कनेक्शन है, याद रखना, हमेशा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजों का कनेक्शन है, एक लीवर का और एक पेनक्रियास का। लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, पेनक्रिया जो कि सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। तो इन दोनों का कनेक्शन है। अब यहां पर क्या होता है, यहां से दोनों चीजें आती हैं, अब मैं बताऊंगा आपको यहां से क्या आती हैं, और ये दोनों यहां पर जो सिक्रीशन होता है वो कहां पर आते हैं, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि क्यों इसको कंप्लीट डाइजेशन बोल रहा हूं, सारी चीजें वहां से भी यहीं पर आ रही हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फेवरेट है। यहां पर क्या है, विली है, यहां पर विली है, डबल स्टार लगा लो लेफ्टिनेंट वाले, यहां पर विली प्रेजेंट होता है, और विली का काम क्या है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट मटेरियल डाइजेस्टेड, जो है यहां पर क्या बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। यदि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करोगे ना, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है भाई मान रहा हूं कि ये छोटी है, ऑल दो इट इज शॉर्टर, मगर डायमीटर में बहुत बड़ी है, बड़ी है। यहां पर अब देखो, बड़ी है आपने देखा होगा ऐसे, डायमीटर में मोटी है ऐसा, आपको मोटी अलग ही दिख जाएगी, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। अपेंडिक्स यहां पर क्या है, यहां पर जो आपको अपेंडिक्स का वो जो ऑपरेशन होता है ना, यहां पर बताया नहीं गया, ये अपेंडिक्स है, और ये अपेंडिक्स काय का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहां पर क्या आता है, रेक्टम आता है, और आखिरी पार्ट तो सभी को पता है, जिसको देखकर आप हंसते थे पहले, ठीक है ना, ये है एनस। रेक्टम क्या है, ये फीकल मैटर को स्टोर करेगा, स्टोर करता है फीकल मैटर को, और एनस क्या है, ये एग्जिट करता है, मतलब सुनना, वो तुमसे क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्टोर द फीकल मैटर, उसमें दोनों ऑप्शन में होंगे। अब तुम ये मत बोल देना एनएस, भाई वहां पर स्टोर कौन करता है, रेक्टम करता है, और इजेक्ट कौन करता है, इजेक्ट करने का काम है एनएस का काम, ठीक है, दैट्स इट। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है यहां पर चीजें। भैया ये क्या चीज है, यहां पर अपन एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी डाइजेशन, पहले क्या थी, एब्जॉर्प्शन थी, उसके बाद डाइजेशन थी, डाइजेशन के बाद क्या था, पहले क्या था, इंजेशन था, फिर एब्जॉर्प्शन था, फिर तुम्हारा डाइजेशन था। सर क्या बोल रहे हो आप, पहले क्या था, देखो पहले तुम्हारा क्या था, इंजेशन था, उसके बाद क्या था, डाइजेशन था, उसके बाद एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन था, एसिमिलेशन के बाद इंजेशन था। ये सारी की सारी प्रोसेस यहां पर स्टडी करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस डाइजेशन, आपके दिमाग में घुस जाएगी यहां पर बढ़िया तरीके से, किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, और कहीं पर भी चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूं ऐसे नोट्स आपको नहीं मिले होंगे भाई, तजुर्बा है हमारा, ठीक है। आगे देखो आप, यहां पर देखो आपने वही सेम कहानी अपन रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना आप, एकदम ध्यान से सुनना। आपने फूड इनटेक करा, हां जी भैया मम्मी खाना लेकर आई, खुद से खाना लिया करो, ठीक है। यहां पर क्या है, फूड इनटेक करा, हां जी भैया फूड हमने खाया, खाना हमने इनटेक करा, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ग्राइंडिंग और च्यूइंग हुई, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, जो सलाइवा मिला वो पता क्या है, माउथ में आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। इस सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड हमेशा आप याद रखना, ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम भी, हम यहां काई की बात करेंगे एंजाइम्स, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करें, एंजाइम्स। अब यहां पर देखो सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसने क्या अपना सिक्रीट करा, एक अमाइलेस, मतलब एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस। इसमें होता है सलाइवा जो कि फूड को कैसा बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, उसको उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। यहां पर ये जो सलाइवा है ये क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में चेंज करेगा, दैट्स इट। अब ये जो खाना है कहां से निकलेगा, ईसोफेगस से निकलेगा, जिसको कहा जाता है फूड पाइप, ठीक है भैया। अब सभी को पता है ईसोफेगस से कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में आपने बताया था, क्या बताया था भैया, कि यहां पर क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। और इसका कारण भी आपने ऐसा बताया था कुछ, कि यहां पर कुछ कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टमक है, स्टमक में तुम्हारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, यहां प्रेजेंट रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो जीजी प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें, एससीएल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, और होता है म्यूकस। अब इनके काम क्या है बताऊं, बढ़िया तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप क्या करो, यहां पर बनाओ आप ये मेजर का, यहां पर एम्बलम, ठीक है, यहां पर है एससीएल। एससीएल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, और एक एसिडिक मीडियम, भाई एसिडिटी है तो स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ये, कहां पर, स्टमक में। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन को काय में पेप्टोन्स में तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ेगा। रेनिन का भी काम एज इट इज सेम है, मगर एक बात बताओ, जो बच्चे हैं, शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको क्या इतना हाई लेवल का प्रोटीन दिया जाता है, नहीं, उनको सॉफ्ट प्रोटीन दिया जाता है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाता है। तो इनके हिसाब से ये जो रेनिन है, यहां पर रेनिन क्या करेगा, वही है, मगर ये कहां पर प्रेजेंट रहेगा, बस इन्फेंट में प्रेजेंट रहेगा, ये भी प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा। म्यूकस का काम क्या है भाई, पेट में तुम्हारे क्या है, एससीएल है, एसिड है। अब एसिड का इफेक्ट ना पड़े स्टमक की लाइनिंग पर, इसलिए म्यूकस है। तो म्यूकस क्या प्रोटेक्ट करता है, कि एससीएल पर उसकी लाइनिंग ना पड़े,
ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये HCl बैक्टीरिया को किल करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, पैप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है पैप्टोन्स में, रेनिन का भी फीचर सेम है मगर ये इन्फेंट में होता है, म्यूकस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। जो ऊपर के चार है Above four are secreted by gastric gland, बता दिया मैंने आपको। अब सुनो ये आगे फर्दर चीजें कहां जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आपको क्या बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द बॉस। यहां पर दो चीजें आएंगी, एक कहां से, एक आएगी लीवर से, एक लीवर से और एक आएगी पेनक्रियास से। ठीक है, एक आएगी पेनक्रियास से। लीवर से क्या आएगा, लीवर से आएगा दो जूस है ना, लीवर से आएगा बाइल जूस, लीवर से आएगा बाइल जूस और पेनक्रियास से आएगा पेनक्रियाटिक जूस। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा पेनक्रियाटिक जूस। अब यहां से जो बाइल जूस है ये क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट खा रहे हो ना उसके जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आएगा, ये जो बाइल जूस है ये बाइल जूस कहां पर होता है, बाइल जूस मेरे भाई सिक्रीट कौन करता है, पहली बात तो सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो अपन ने करा, और स्टोर कहां पर होता है, ये स्टोर होता है लीवर में, स्टोर होता है लीवर में। अब लीवर में स्टोर होगा तो लीवर से ये कहां पर आएगा, लीवर से आएगा यहां पर। ठीक है, अब ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा ये इंपॉर्टेंट तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद ये जो पेनक्रियाटिक जूस है पेनक्रियास से निकला, इसमें भी एंजाइम होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम होता है बताऊं आपको, एक होता है अमाइलेस, अमाइलेस एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेस, है ना, एक होता है लाइपेस, एल से लाई से लिपिड्स। ये क्या करता है, लिपिड्स और फैट्स को ब्रोक करेगा, तोड़ेगा इनको, एकदम तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन, भैया ये क्या चीज हुई, अभी उसने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा मेरे भाई, वो जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो, एक एक सेल में एकदम फाइनल प्रोडक्ट निकले, इसलिए क्या होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ा जाता है और पेप्टोन्स फर्दर बताऊंगा आपको काय में टूटते हैं, अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, कई लोग जिम वगैरह जाते होंगे तो कई लोग देखा होगा इतना हैवी प्रोटीन इंटेक करते जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये पेप्टोन्स आखिरी में जाके इसमें टूटते हैं। तो सोचो सबसे एंड प्रोडक्ट कंज्यूम करा जाता है जो ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन और पेप्टोन कैसे याद करोगे, ये टी है, ये टी यदि ऐसा बना हुआ है इसको ऐसा कर दिया तो ये पी बन जाएगा, तो पी फॉर प्रोटीन। अमाइलेज क्या करेगा यहां पर, ये सलाइबरी अमाइलेज नहीं है, ये नॉर्मल अमाइलेज है। अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। अब यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया भैया, ठीक है। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका भी है, दो लोगों का पहुंचा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के भी कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वही सेम है। यहां पर बस लाइटिक लगा देना, अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक क्या करेगा, कार्ब को उसमें चेंज करेगा शुगर में, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन्स को काय में तोड़ेगा पेप्टोन्स में, लाइपोलाइटिक लिपिड्स ऑफ फैट्स को तोड़ेगा, काय में तोड़ेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो, ठीक है। प्रोटीन्स पेप्टोन्स में तोड़ेगा और अमाइलोलाइटिक है उसमें तोड़ेगा, वही सेम है। भैया ये क्यों है, अरे मैं बोल रहा हूं ना, इतना तोड़ो कि आखिरी में एंड प्रोडक्ट बचे। अब यहां पर यहां तक खत्म, आपका डाइजेशन प्रोसेस खत्म है ना, ये खत्म। अब तुम बस अभी रुको, ठीक है, यहां पर डाइजेशन खत्म। अब यहां पर कहानी काई की शुरू हुई, जो एब्जॉर्ब तुम्हारा फूड कहां पर आ गया भैया, पूरा कंप्लीट फूड बन गया, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब ये जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये विली एब्जॉर्ब करेगा, विली इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब विली ने इसको भैया एब्जॉर्ब करा, ठीक है, विली ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, विली का काम एब्जॉर्ब करना है। अब ये क्या करेगा, ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये एसिमिलेट होगा, ये एसिमिलेट होगा हर एक सेल में, और वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ये रेक्टम में जाएगा और एनएस से निकल जाएगा, इसको बोलेंगे इजेक्शन। अब एक चीज देखो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा का पूरा ह्यूमन का था, हां जी भैया ह्यूमन का था। यहां पर क्या हुआ, इतना जो चीज हुई, इतनी जो चीज हुई यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा कलर लू, ग्रीन कलर, ये वाला कलर लेता हूं। यहां पर इतनी चीजें जो हुई, ये कौन सी चीजें थी, इनको कहा, क्या कहोगे आप, इजेशन कहोगे, मतलब इजेशन, इंजेशन भाई, इसको आप इंजेशन कहोगे, बिल्कुल कहेंगे भैया इंजेशन। क्यों, क्योंकि खाना यहां पर इंजेक्ट हुआ। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को जो यहां से शुरू हुई है ना, यहां से शुरू हुई और यहां से शुरू होने के बाद ऐसा नीचे जाकर कहां पर खत्म हुई, यहां पर खत्म हुई, इसको क्या बोलोगे, डाइजेशन बोलोगे आप, बिल्कुल डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन होने के बाद कहां एब्जॉर्प्शन, यहां एब्जॉर्प्शन हुआ, बिल्कुल भैया एब्जॉर्प्शन भी हो गया। उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड है जो विली ने एब्जॉर्ब करा था वो हर जगह गया, इसको क्या बोलोगे, एसिमिलेशन बोलोगे आप, बिल्कुल बोलेंगे। आखिरी में ये क्या हुआ, इजेशन हुआ। भैया पूरी की पूरी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ह्यूमंस में होती है, आपने पूरी टिप पर करा दी, यही पावर है भाई। फॉर अस क्वालिटी इज अबव देन क्वांटिटी, ठीक है, बस यही काम है भाई। दो दो घंटे का लेक्चर देखते हैं इसके लिए, सड़ी सी चीज के लिए आपको पूरा का पूरा एक घंटे के सेशन में सारी चीजें कंप्लीट करा दी जा रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। बढ़िया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, बढ़िया चीजें मैंने आपको बता दी है, अब बढ़िया तरीके से आप रिकॉर्ड कर लेना। भैया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच बीच में बताए थे उनका क्या, अरे चिंता मत करो मेरे भाई।